आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता, जिसमें हमने दूध या दूध से बने हुए किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। एक पैन को मीडियम सेक पर गरम करने के बाद उसमें 2 बड़े चम्मच तेल के डालेंगे, 3 छोटी हरी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का, 3 लौंग, 1 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता। 1 से 2 मिनट तक के लिए इन सब चीजों को भून लेंगे और उसमें 1 कप कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। जब प्याज का रंग बदल जाए तो उसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन डाल लेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद हम 1.5 कप कटा हुआ टमाटर डालेंगे और 2 से 4 मिनट सॉटे कर लेंगे। उसमें 10-15 काजू, 1 छोटा चम्मच हल्दी का और 1/2 कप पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को मिला लेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च डालने के बाद इसको ढककर हल्के सेक पर तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो चलिए दूसरी तरफ हम कोफ्ते तैयार करते हैं। एक बर्तन में हम 4 से 5 उबले हुए मैश्ड आलू ले लेंगे, जिसमें हम 1 कप बारीक टोफू डालेंगे, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा नमक और बारीक कटे हुए काजू और किशमिश डाल सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद हथेली की मदद से कोफ्ते बनाएंगे। अब ये कोफ्ते आप गोल या लंबे भी बना सकते हैं। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में तेल को मीडियम टू हाई सेक पर गरम कर लिया है। अगर आप बहुत तेज सेक पर बनाएंगे तो कोफ्ते बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उसे एक साफ बर्तन में निकाल लीजिए। ग्रेवी के लिए जो हमने टमाटर पकने के लिए रखे थे वो अब तैयार हैं। इस मिक्सचर को ठंडा करने के बाद हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। जब मिक्सचर स्मूथ हो जाए तो उसे छन्नी की मदद से छान लेंगे और छानते वक्त हम उसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए उसके हिसाब से आप पानी की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपकी ग्रेवी हो गई तैयार, जिसे हम हल्के सेक पर कुछ मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और वीगन क्रीम डाल रही हूँ, जिसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये ग्रेवी कोफ्तों पर डालने के लिए तैयार है। हम कभी भी कोफ्तों को ग्रेवी में नहीं डालेंगे, नहीं तो कोफ्ते खुल जाएंगे और अंदर से गीले हो जाएंगे। सर्व करने से पहले आप इसे क्रीम और धनिया से गार्निश कर सकते हैं।